तो हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पर हिटमिक्स में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबेरियन हस्की के बारे में। आप सभी की डिमांड थी जैसे कि साइबेरियन हस्की को कैसे चेक करते, कैसे इनकी प्योरिटी चेक करते और क्या क्या कैसे किस हिसाब से जो है प्राइस तय होता है। तो आज की इस वीडियो में ये सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। सिंगल कोट, डबल कोट, कैसा हैवी बोन होता है वो आपको देखना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि इंडियन वेदर के हिसाब से साइबेरियन हस्की नहीं रह सकता, कोई बोलते रह सकता आराम से, कोई बोलता है एसी की ज़रूरत होती है। तो सब कुछ ये जो है इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो गाइस, आप सभी का ऐसा सपोर्ट ज़रूर से बना के रखिएगा, वीडियो को ज़रूर से आप लाइक करते ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर भी आप शेयर कर सको अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेम्बर में, वहाँ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो प्लीज़, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जैसे कि कोई भी डॉग अगर आप लेते हो तो एटलीस्ट फ्यूचर देख के उसको डॉग के हिसाब से आप लीजिएगा। उसके क्यूटनेस पे बिल्कुल मत जाइएगा कि ऐसा नहीं कि ये डॉग मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए लीजिए, क्योंकि कोई कोई अच्छे आपके हिसाब से रह लेता है अच्छे से, कोई कोई आगे जाके उसका मतलब जैसे बड़ा होता है, कोई किसी किसी को एनवायरनमेंट सूट नहीं करता, वेदर सूट नहीं करता, अच्छे से केयर करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से आप डॉग चूज़ कीजिएगा। आप तो कभी भी आप लेते हो तो ध्यान रखना कि डॉग की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उस हिसाब से आप फील कर पाते हो कि नहीं, तो उस हिसाब से आप डॉग ज़रूर से लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो साइबेरियन हस्की का मुंह होता है उसके आगे दोस्तों आपको वहाँ पे उसका जो कलर शेड है वो देखने को मिलता है। तो कलर शेड के हिसाब से हमेशा प्राइस तय होता है कि कितना उसकी अच्छी मार्किंग है। कभी कभी जो है जो साइबेरियन हस्की के मुंह के ऊपर आपको त्रिशूल आकार का देखने को मिलता है, तो वहाँ से भी वो मार्किंग काफ़ी अच्छी होती है, तो उसका प्राइस भी काफ़ी हाई होता है। और वहाँ पर कभी कभार जो है मार्किंग वैसी नहीं होती, तो उस हिसाब से उसका प्राइस जो ब्रीडर तय करते हैं, डॉग शॉप वाले तय करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि त्रिशूल वाला हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या फिर दूसरा लेते हो तो उसका प्राइस आपको थोड़ा सा कम आप कर सकते हैं। और जो इनकी आँखों की बात करें तो इनकी आँखों भी आपको ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से भी प्राइस तय होता है। जैसे कि ब्लू आइज़ का अगर आपको लेना है तो उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि एक उसकी एक आँख ब्लू होती है, एक ब्लैक होती है, तो उसका भी प्राइस अलग होता है। कभी कभार जो साइबेरियन हस्की पपी होता है उसका जो है आँखें पूरी ब्लैक होती है, तो वो सब भी आप चेक कर सकते हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा मतलब मुश्किल हो सकता है साइबेरियन हस्की को चेक करना, इसलिए हमेशा उसके मदर फादर को तो आप ज़रूर से आइडेंटिफाई करें कि वो प्योर ब्रीड है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने पपी को देख लिया मतलब ये प्योर है, आपको उसके मदर फादर को ज़रूर से चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि साइबेरियन हस्की को चेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए उसके मदर फादर को, और हो सके तो पेपर वर्क अगर दे रहा है तो पेपर वर्क भी ज़रूर से चेक कीजिएगा। तो गाइस, जो नेक्स्ट आइडेंटिफाई करने का तरीका है वो है इनके कान। इनके कान दोनों के दोनों खड़े होते हैं और दिखने में आपको एक टाइप के त्रिकोणीय आकार के देखने को मिलेंगे, और जैसा इनका फेस होता है उस हिसाब से इनके कान होते हैं, तो उससे भी आप जज कर सकते हो। और दोनों के दोनों कान काफ़ी स्ट्रेट और आप दिखने में भी अच्छे। तो जो नेक्स्ट आइडेंटिफाई करने का तरीका है साइबेरियन हस्की का वो है उनकी पूंछ। उनकी पूंछ कभी भी कर्ल्ड नहीं होती, और ये कभी भी जैसे कि अटेंशन में आते हैं या फिर किसी को देखते हैं, अनजान वस्तु या फिर खेलने के मूड में होते हैं, तब उनकी पूंछ सीधी हो जाती है और आमतौर पे नीचे होती है, जिसमें आप पर ब्रशिंग भी करना ज़रूरी होता है। और उसका आप देख सकते हैं कि ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, उनकी हाइट बॉडी के हिसाब से उनकी पूंछ होती है। और गाइस, जैसे कि अगर आप हैवी बोन लेते हो तो उनकी मार्किंग आपको ज़रूर से चेक करने हैं कि मार्किंग सही है कि नहीं है। उसके साथ साथ उनके पंजे होते हैं वो भी काफ़ी मोटे होते हैं, और दिखने में भी काफ़ी अच्छे दिखने लगेंगे आपको, और फेस शेप भी काफ़ी अच्छा मोटा लगेगा। जैसे उनकी बॉडी होती है, बॉडी के हिसाब से उनका फेस होता है, और फेस भी काफ़ी मोटा और चौड़ा लगता है। खास करके आपको उनके पंजे के हिसाब से देखना, पंजे में भी काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा अगर आप हैवी बोन लेते हो तो। तो अब बात करते हैं उनके पोजीशन की। तो पोजीशन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं आप, जो यहाँ पे फोटो आपको दिख रहा है वैसे आपको देखना है कि साइबेरियन हस्की की जो पोजीशन है वो सही है कि नहीं। तो उस हिसाब से भी आपको 19-20 का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ से भी आप अगर अच्छे से जानते हो साइबेरियन हस्की को तो पहचान सकते हो। और बता दूं आपको, जैसे कि रॉटवाइलर जब इंडिया में आया था तब भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वो अच्छे से नहीं रह पाता। जर्मन शेफर्ड भी आया था तब भी लोगों ने ऐसा बोला था कि जर्मन शेफर्ड इंडियन वेदर के हिसाब से नहीं रह सकता। अकीता, ये सारे डॉग ब्रीड है जो आज में इंडियन वेदर के हिसाब से अच्छे से रह सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि साइबेरियन हस्की भी काफ़ी अच्छे से रह रहता है। अगर आप देखोगे कि जर्मन शेफर्ड का डबल कोट आता है और अच्छे हैवी बोन आता है, उनको काफ़ी संभालना मुश्किल हो जाता है।
बट जो साइबर नस्की होता है उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, आप उनको आराम से संभाल सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना, जब भी आप बाय करने जाते हैं उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, मेंटेनेंस का खर्चा भी आपको थोड़ा बहुत आएगा, तो उस हिसाब से ध्यान रखना है आपको, और उनकी केयर भी आपको अच्छे से करनी पड़ती है। गाइस साइबेरियन हस्की आपको बहुत सारे कलर में मिल जाएंगे, ब्लैक एंड वाइट, पूरा वाइट में भी मिल जाएगा, ग्रे कलर में मिल जाएगा, ग्रे एंड ब्राउन में भी, और रेड कलर में भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। इसलिए अगर 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट आप प्रॉपरली चेक करके ही बाय कीजिएगा, और अच्छे ब्रीडर अच्छे डॉग शॉप के वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और भी आपको एक चीज़ बता दूं कि इंडिया में बहुत सारे साइबेरियन हस्की है और आसानी से रहते भी है, बट जैसे जैसे वेदर चेंज होता है उस हिसाब से आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सारे वेदर में एक जैसा रहता है, गर्मी भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, बारिश में, ठंडी में, ऐसे आपको जैसे जैसे वेदर चेंज होता है उस हिसाब से उसकी केयर करनी पड़ती है। तो गाइस आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन करना, और अगर आप उन्हें इंस्टा फॉलो नहीं करते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।